जय हिंद, नमस्कार मेरे शेर सैनियों, लाडो डालियो, स्वागत है आप सभी का अपनी YouTube चैनल कमांडो अकेडमी पर। दोस्तों, आज का ये वीडियो स्पेशली झारखंड वाले बच्चों का है, जो कट ऑफ के लिए काफी कमेंट्स कर रहे थे कि झारखंड से कट ऑफ कितनी जा सकती है सर, SSGD की फिजिकल हमको तैयारी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, क्या हमारा फाइनल सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, और कितने नंबर पर फाइनल सिलेक्शन हो सकता है। तो ये सभी झारखंड वाले बच्चों के लिए है। देखिए लाडलो, मैं इस वीडियो में आपको सिर्फ फिजिकल की कट ऑफ नहीं, फिजिकल, मेडिकल और फाइनल कट ऑफ तक लेके जाऊंगा कि आपकी फाइनल कट ऑफ कितनी जा सकती है, क्योंकि केवल फिजिकल पास करने से कुछ नहीं होगा, फाइनल मेरिट लिस्ट में आपका नाम आना चाहिए। तो कौन सा बच्चा है जो निश्चित हो सकता है कि मेरा फाइनल मेरिट में नाम आ जाएगा। साथ ही आप सभी के लिए एक बहुत ही शानदार इंफॉर्मेशन है कि आने वाली 1 मार्च से हमारी अकेडमी में मेडिकल के नए बैच शुरू हो रहे हैं। तो जिस भी बच्चे को अपना मेडिकल कराना हो, संपूर्ण मेडिकल करा सकता है, अकेडमी आकर नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकता है। और फिजिकल बैच भी शुरू हो रहे हैं, अगर आप फिजिकल करना है तो जो बच्चा फिजिकल बैच में आता है उसका मेडिकल बिल्कुल फ्री है लाड लो। तो अब मैं बताता हूं कि झारखंड से SSGD की कट ऑफ कितनी जा सकती है, इसके बारे में आपको पूरी की पूरी इस वीडियो में जानकारी मिलेगी लाड लो। तो चलिए बात करते हैं, मैं बताऊं पिछली बार झारखंड से जो हाईएस्ट यानी मैक्सिमम जो गई थी फिजिकल के लिए कट ऑफ, वो गई थी 53% पे। तो इस बार अगर देखा जाए तो लगभग 88 नंबर जनरल कैटेगरी झारखंड से, अगर किसी बच्चे की जनरल कैटेगरी से बिलोंग करता है और झारखंड का रहने वाला है, अगर उसके 88 नंबर है तो वो फिजिकल में सेफ है। अगर आप लड़की हो या SC या ST कैटेगरी से हो, अगर आपके 48 नंबर है तो भी आप फिजिकल में क्वालिफाई हो जाओगे, ठीक है। यानी जिन बच्चों के 48 से ऊपर नंबर है, अगर वो ST कैटेगरी से है या नक्सल एरिया से है या बॉर्डर एरिया से है, तो उनका पूरा पूरा चांस है कि वो फिजिकल के लिए क्वालिफाई होंगे। अब बात आती है कि मेडिकल के लिए कितने पे कट ऑफ जा सकती है, तो मैं आपको बता दूं मेडिकल की जो कट ऑफ है झारखंड से, उसके लिए अगर हम बात करें लगभग, यानी लगभग कितनी जा सकती है, तो जिस बच्चे के 96 के आसपास नंबर है जनरल कैटेगरी से, इसका मतलब यह है कि वो बच्चा मेडिकल में भी क्वालिफाई करेगा। जिसके 96 नंबर है, अगर वो जनरल एरिया से है, जनरल कैटेगरी से हैं और झारखंड राज्य से हैं। अब अगर वो OBC से हैं, SC से, ST, बॉर्डर एरिया, नक्सल एरिया से है, तो उसके कितने नंबर होने चाहिए, तो उसके कम से कम 64 से ऊपर नंबर होने चाहिए इस बार 160 में से, तो वो क्लियर कर जाएगा। अगर आप लड़की हैं, झारखंड की है, बॉर्डर एरिया की रहने वाली है, नक्सल एरिया की रहने वाली है, तो अगर आपके 64 नंबर भी है तो भी आप मेडिकल कट ऑफ तक जाओगे, यानी फिजिकल तो 100% आपका क्लियर होगा ही होगा। दूसरा, अगर आप ST कैटेगरी से या SC कैटेगरी या नक्सल एरिया से, तो भी अगर आपके 64 नंबर है तो इसका मतलब है आप क्वालिफाई होंगे फिजिकल के लिए 101%। अब बात करते हैं कि झारखंड से फाइनल मेरिट कितनी जा सकती है। लाडलो, एक चीज और बता देता हूं साथ ही आपको, कि जो भी बच्चा आर्मी की तैयारी कर रहा है या SSC MTS की तैयारी कर रहा है, दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहा है, इन तीनों के नए बैच शुरू हो गए कमांडो अकेडमी एप्लीकेशन पर, आपने अभी तक डाउनलोड नहीं की तो कर लीजिए जल्दी से जाके। तो चलिए देखिए लाडलो, जो BSF है इसकी कट ऑफ पिछली बार झारखंड से गई थी हाईएस्ट 64 और लो गई थी 50, CISF की गई थी 75, लो गई थी 59, SSB की गई थी 68, लो गई थी 54, ITBP की गई थी 66, लो गई थी 50 और असम राइफल की गई थी 65। कहने का मतलब हुआ यह था, पिछली बार के अगर आंकड़े देखें तो 64% वाला का कहीं ना कहीं सिलेक्शन हो गया था जनरल कैटेगरी से। तो सर, इस बार आपको क्या लगता है कितने नंबर पर फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा? तो अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं और आपके 105 नंबर है, तो इस नंबर पर आप ये श्योर मान सकते हैं कि मैं झारखंड का रहने वाला हूं, मेरे 105 नंबर है, मैं जनरल कैटेगरी से हूं, आपका सिलेक्शन पक्का है। अब आप अगर नक्सल एरिया से हैं या बॉर्डर एरिया से हैं या SC ST का आपको आरक्षण है या AWS का आरक्षण है, तो आपके नंबर कितने होने चाहिए? तो आपके नंबर अनुमानित 88 से ऊपर होने चाहिए। अगर आप लड़की है और नक्सल एरिया से, तो आपके नंबर 80 होने चाहिए, यानी कम से कम आपके 80 नंबर तो होने चाहिए। अगर ये आपके नंबर है, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ जाओगे जो भी मैं बता रहा हूं, अगर ये नंबर है तो आपका सिलेक्शन फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। अब और भी आपके कोई भी डाउट्स बचे हैं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, अपने नंबर लिखिए, फिर उस पर भी मैं एक वीडियो जरूर बना दूंगा। जय हिंद, जय भारत लाडलो।